हाँ देखिए, एक साइंटिस्ट था, नर्स, ये जर्मन का था, ये भौतिक विज्ञानी था, भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिसिस्ट था। इस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड ऑफ क्रिया के लिए या विद्युत रासायनिक ऑफ क्रिया के लिए एक समीकरण दिया है जिसे नर्स समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लिया इलेक्ट्रोड ऑफ क्रिया इलेक्ट्रोड रिएक्शन निम्नलिखित है, यम यन प्लस एक्वस प्लस यन इलेक्ट्रॉन एरोमार यम यस। यह एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण है E naught minus 2.303 RT upon mAf into log of equimass of m upon equimass of m m plus. At base small e. At base small t. कैपिटल R का वैल्यू होता है 8.314 जूल प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल। यदि टी बराबर 25 डिग्री लिया जाए 25 plus 273 is equal to 298 केल्विन। यह फैराडे कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 96,500 कूलाम पर मोल और एक्टुमास ऑफ यम इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। यदि हम ये सारे वैल्यूज को इस समीकरण में रखें तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू E naught minus 2.303 into 8.314 into 298 अपॉन यन इंटू 96500 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्टुमास ऑफ यम यन प्लस एट बेस 10। ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, यदि हम इसको कैलकुलेट करें 0.0591 अपॉन स्मॉल यन इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्टुमास ऑफ यम यन प्लस एट बेस 10। ये हमें समीकरण प्राप्त होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इस इक्वेशन फर्स्ट में यन जो है इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया गया है उसके मोलों की संख्या है। यदि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो यन जो है इलेक्ट्रॉन दिए गए इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। यहां पर ये जो रिएक्शन लिखा है यहां पे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका एक उल्टा रिएक्शन ले तो ऑक्सीकरण होगा। तो समीकरण एक को हम इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण कहते हैं। अब जैसे हम एक सेल अभिक्रिया ले रहे हैं कैनियल सेल का, जिंक प्लस, जिंक ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस क्यूप्रिक आयन एक्वस है, ये जलीय है, ये बनाता है जिंक आयन एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। ये कैनियल सेल जो कि एक गैल्वेनी सेल है उसका यह सेल अभिक्रिया है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इसमें जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है और क्यूप्रिक आयन का कॉपर में अपचयन हो रहा है। यदि हम इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण लिखें तो E = E0 - 0.0591/, यहां यन के स्थान पर दो होगा क्योंकि यह दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यह दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यन का मान यहां पे दो होगा। इनटू लॉग ऑफ एक्टुमास ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टुमास ऑफ हो जाएगा ZN डबल प्लस, इनटू एक्टुमास ऑफ CuS अपॉन एक्टुमास ऑफ रिएक्टेंट्स ZNS इनटू एक्टुमास ऑफ Cu डबल प्लस @10। अब ये हमें पता है कि एक्टुमास ऑफ CuS सॉलिड इसका एक्टुमास एक माना जाता है, इसी प्रकार एक्टुमास ऑफ ZNS यह भी एक माना जाता है। ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो डेनियल सेल के लिए नट्स समीकरण होगा E = E0 - 0.0591/2 × log ऑफ, यहां आएगा एक्टुमास ऑफ ZN डबल प्लस अपॉन एक्टुमास ऑफ Cu डबल प्लस @10 इक्वेशन नंबर 2। ये भी नष्ट इक्वेशन है डेनियल सेल के सेल अभिक्रिया के लिए। अब हम एक सामान्य विद्युत रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे ये है AA प्लस BB एरोमर CC प्लस DD। यदि इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण लिखना हो तो ये लिखेंगे E = E0 - 0.0591/log ऑफ एक्टुमास ऑफ सी पावर स्मॉल सी इंटू एक्टुमास ऑफ डी पावर स्मॉल डी
अपॉन एक्टोमास ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू एक्टोमास ऑफ बी पावर स्मॉल बी एट बेस 10। ये इक्वेशन नंबर था। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है ये एक सामान्य नट्स समीकरण है। इसमें यन जो है लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, ई इसमें इलेक्ट्रोड विभव है और ई डॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये समीकरण जो लिखा गया है उस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। यदि हम किसी सेल के लिए समीकरण लिखें तो यहां लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन यम इंटू लॉग ऑफ एक्टोमास ऑफ सी पावर सी मल्टीप्लाइड बाई एक्टोमास ऑफ डी पावर स्मॉल डी अपॉन एक्टोमास ऑफ ए पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाई एक्टोमास ऑफ बी पावर स्मॉल बी एवरेज 10। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये सेल की अभिक्रिया के लिए नॉट्स समीकरण है। इसमें ई सेल जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या सेल का पोटेंशियल है, सेल का विभव। ई नॉट सेल ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल है या मानक सेल विभव।